opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. लियम लिविंगस्टन, उनको तो एक ही तरीका आता है खेलने का, तो इसलिए आज वो बने हमारे क्रेडिबल परफॉर्मर ऑफ द डे, पावर्ड बाय क्रेडिट बी लोन्स एनी टाइम एनीवेयर. 222 के स्ट्राइक रेट पर हिटिंग करी है, 5 छक्के मारे वीरू. मेरा तो दिल खुश हो जाता है इस लड़के को देख के. मैं तो जब से देख रहा हूँ उसको, एक साल से 100 में भी देखा था सब जगह पर, मजा आता है क्या. बट एक्चुअली फियरलेस बैटिंग की है तो सिर्फ लिविंगस्टन ने की है जी. थ्रू आउट द टूर्नामेंट की यार, मतलब वो उस अंदाज में खेले मारने की. अगर आउट हो भी गए तो भी वैसे ही खेले, नहीं हुए तो खैर खेले ही हैं. 15-20 बोलों में 40-50 रन बनाना, और आज भी वैसी बैटिंग की उन्होंने. तो नो डाउट वो अपनी थिंकिंग में क्लियर थे कि भाई पहली बोलो या मेरी आखिरी बोलो, मैं इस तरीके से ही खेलूंगा, इसी अंदाज में खेलूंगा, छक्के लगाने के लिए खेलूंगा. चाहे उमरान मलिक सामने हो, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, चाहे भुवनेश्वर का कोई भी गेंदबाज हो, उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला, उन्होंने अपना स्टाइल नहीं बदला. जो कि शायद एक पॉजिटिव रहा होगा मैं कहूंगा पंजाब के लिए, कि सबसे बड़ा पॉजिटिव लिविंगस्टन उनके उनके लिए. गेंदबाजी में भी रहे पॉजिटिव, लेकिन बल्लेबाजी में वो रहे पॉजिटिव. 34 छक्के लगाए. आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में अभी इनसे लंबे छक्के लगाने वाला प्लेयर तो कोई दिखाई नहीं रहा, कि खड़े खड़े ऐसे मार रहे हो, ऐसे हर बार छक्के लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये तो 100 मीटर होगा ही होगा. 117 का मारा इन्होंने आज. हाँ, तो ऐसा लगता है. 34 मारे टोटल, मतलब मिनिमम बोल रहा हूँ कि मिनिमम 100 वाला होता था कि ऐसा लगता है कि 100 तो होगा ही होगा जिस तरह से जा रहे हैं. तो आई थिंक जिस तरह से विरूपा ने बात करी, वो अप्रोच उनका क्लियर था. थिंकिंग क्लियर होती ना तब जाके आपका एग्जीक्यूशन भी उतना ही क्लियर होता है. तो इसलिए हर बार वो अगर टीम की स्ट्रेटेजी होती ना कि हम लोग हारे या जीते हम लोग इसी अंदाज में खेलेंगे ना. इंग्लैंड के कप्तान थे एन मॉर्गन, वो एक स्टेटमेंट देते थे कि हम लोग फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, रिजल्ट से हमें कोई परवाह नहीं. अगर हम हार भी गए तो भी हम ऐसे खेलेंगे, हम जीत रहे तो फिर ऐसे ही खेलेंगे. तो वो अप्रोच ना बीच बीच में बदल गई पंजाब की. पहले हम ऐसे खेलेंगे, फिर वो टीम कॉम्बिनेशन ऐसे बदले कि यार नहीं थोड़ा सा संभल के खेलते शायद हम लोग जीत जाएं, क्वालिफाई कर जाएं, फिर वापस आ जाते नहीं हम फिर से अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे. तो वो मेरे को सोच समझ नहीं, एक सोच रहे तो ज्यादा बढ़िया है कि भाई आप कम से कम आधी आईपीएल तो एक सोच के साथ खेलो. फिर अगर वो नहीं वर्क करे कुछ हो तो फिर आप चेंज करने की सोचो. बट बहुत बहुत जल्दी छोड़ दी उन्होंने जो सोच थी, जो अटैकिंग सोच थी जल्दी छोड़ दी. पर लियम लिविंगस्टन ने नहीं छोड़ी. 437 रन बनाया उन्होंने सीजन में, 180 के आसपास का स्ट्राइक रेट है उनका, तो बनाए भी बड़े तगड़े हैं रन फटाफट इन्होंने. और एक और बात जो इनकी, ये सेकंड हाईएस्ट रहे हैं. अब शिखर धवन ऑफकोर्स हाईएस्ट स्कोरर हैं पंजाब के, लियम लिविंगस्टन सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं इस टीम. आई थिंक इस टीम के लिए जो बात हम लगातार वही कर रहे हैं ना, कि उनमें अप्रोच में दिखता है. अभी रन्स की तो हमने बहुत बात कर ली, हमें पता है कि किस तरह से खेल रहे हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर प्लेयर का देखेंगे कि अगर लेफ्टी आता है तो आपको वो ऑफ स्पिन भी डाल के देते हैं, राइट ही आता है तो आपको लेग स्पिन डाल के देते हैं, ग्राउंड में फील्डिंग में भी जो पूरा का पूरा जहाँ पे मुश्किल जगहों पर फील्डिंग करते हैं. तो आई थिंक एक जो ऑलराउंडर क्रिकेटर की जिसकी अगर ज़रूरत हो, तो इसलिए यू नो आई थिंक उसमें अभी वर्ल्ड क्रिकेट में लियम लिविंगस्टन का नाम ज़रूर सबसे ऊपर आएगा. क्योंकि ऐसा नहीं कि आप खाली 5 नंबर या 6 नंबर फिनिशर वाला काम करते हैं. अगर ऐसा लगे गेम फंसी है तो वहाँ से भी थोड़ा सा ना शुरुआत करके गेम चलाते हैं और फिर वापस अपने लय पे आ जाते हैं. तो आई थिंक एक जो कंप्लीट क्रिकेटर की बहुत बार हम चर्चा करते हैं ना कि कौन हो सकता है कंप्लीट क्रिकेटर, तो आपको पेस खेलते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, आपको ऑफ स्पिन डाल के देते हैं, लेग स्पिन डाल के देते हैं, बाउंड्री में फील्डिंग भी करके देते हैं, तो यू नो बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं इनकी. एक ही चीज नहीं करते कि लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं करते. कर लेंगे अगले सीजन, ये भी दिखा देंगे, ये आइटम भी ले आएंगे वो. बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा है गेंदबाज का ये ऐसा है जो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म दोनों से डालते हैं. बिल्कुल स्विच बॉल, बिल्कुल स्विच होता है वैसे स्विच बॉल भी डाल सकते हैं.